उस टाइम जूझ रहा था, तो मेरे लिए एक बिल्कुल बिल्कुल नया एक्सपीरियंस आया कि यार फिफ्थ सीजन में मैं टॉप थ्री में आ गया। कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 पे भारत का कब्जा, और इसी के साथ भारतीय कबड्डी टीम ने अपनी बादशाहियत एक बार फिर साबित की। चाहे वर्ल्ड कप हो, एशियन चैंपियनशिप हो या कबड्डी मास्टर्स, शहंशाह भारत ही है। और पिछले तीन बड़े टूर्नामेंट्स की बात करें तो बस एक ही नाम, अजय ठाकुर, और एज अ कैप्टन उनके लिए एशियन चैंपियनशिप के बाद कबड्डी मास्टर्स दुबई दूसरी बड़ी जीत। प्रो कबड्डी में अजय ठाकुर तमिल थलाइवर्स को लीड करते हैं, और वहां भी उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस हम सब ने देखा है। तो पहली बार जब एशियन चैंपियनशिप 2017 के लिए अजय ठाकुर को कैप्टन बनाया गया, तो कैसा था उनका वो एक्सपीरियंस, उनका वो एक्सपीरियंस जब वो पाकिस्तान के खिलाफ एज अ कैप्टन पहली बार मैट पे उतरे। तो आइए सुनते हैं ये सब अजय की जुबानी। और गोइंग बैक टू एशियन चैंपियनशिप, इंडिया को आपने लीड किया, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? शुरू में तो मैं सही बताऊं कि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, है ना। बहुत यंग टीम थी, तो पहले तो मुझे डर लग रहा था। मैं कहा यार ऐसे कैप्टन जाऊंगा, और इतनी यंग टीम है, क्योंकि आपको पता है जितना यंग ब्लड होता है ना टीम में, ये मतलब दिमाग से कम अग्रेसिव ज़्यादा खेलते हैं, बिल्कुल मार धाड़ से। ये कभी हम लोग भी, जब मैं भी, हम भी खेलते हैं, तो हमें भी लगता है एक्सपीरियंस प्लेयर का होना बहुत ज़रूरी है टीम में। और जो ये टीम थी तो बिल्कुल मतलब मच्योरिटी नहीं, बिल्कुल अग्रेसिव प्लेयर थे जितने भी थे उसमें। संदीप नवा लगा लीजिए, दीपक, हुड्डा लगा लीजिए अपना, रोहित कुमार, मनिंदर सिंह। जब मैं कभी इनको ऐसे भेजता था कि मैं कह यार सेफ रेड करनी है ना सेकंड रेड, तो वो बोलते नहीं नहीं सेफ रेड नहीं हम कर सकते, आप हमें डू एंड डाई के ऊपर ही भेजना, सेफ रेड आप कर लो। तो मैं बोलता चलो ठीक है यार, मैं जाकर गया था, आप डू एंड डाई भी खेलो। तो ऐसा इस तरीके से मतलब ऐसी टीम को कंट्रोल करना जहाँ सब यंग प्लेयर्स हों, काफ़ी मुश्किल था। पर लेकिन जितना मेरे दिल में ऐसे था कि इतना जितना असमंजस थी कि यार कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो उतना ही अच्छा रहा मेरे लिए, काफ़ी अच्छा। शायद मैं पिछले 10 साल से इंडिया टीम में हूँ, मैं 2007 से इंडिया टीम में प्ले कर रहा हूँ। हम लोग हमेशा कभी एक नंबर से जीते, या बराबर मैच हुआ, वर्ल्ड कप में कोरिया से पहला मैच हार गए, कभी हम ज़्यादा मार्जिन से कभी नहीं, इतने ज़्यादा मार्च कभी नहीं जीते। और अब की बार जैसे मैं कैप्टन बना था, चाहे मेरा लक मान लीजिए या लड़कों ने इतना अच्छा मतलब प्ले किया कि इतना टीम में इतना ज़्यादा प्यार था कि मैं भी कोई भी टीम मतलब कि हमारे नज़दीक तक नहीं आई, जिनमें कि पाकिस्तान हो, कोई भी टीम हो, बिल्कुल वन साइड मैच हुए टू जेड मेरी लाइफ का। ये इंडिया जब से मैं खेल रहा हूँ पाकिस्तान के अगेंस्ट आपने 12 रेट्स, जब हम वार्मिंग अप कर रहे थे, तो हमारे जब पाकिस्तान के साथ मैच था, असल में तो मैं एज ए कैप्टन मुझे थोड़ा डर लग रहा था। मैं बोला यार पूरे देश की निगाह अभी टिकी हुई है, क्योंकि मेरे को फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम को सब बोल रहे थे कि यार ब्रदर किसी टीम से हार जाना, इस टीम से नहीं हारना है, तो प्रेशर दुगना हो जाता है ना। तो मैं कहा यार बिल्कुल अच्छे से खेलना, तो सभी टीम बोल रहे थे कि नहीं आप टेंशन मत लो। उस टाइम हम प्लेइंग सेवन में संदीप खेल रहा था राइट कॉर्नर, दीपक लेफ्ट कवर खेल रहा था, सुरजीत था, मैं था, मनिंदर था, और अपने सुरेंद्र नाडा जी थे, हम ये लोग उस टाइम पे प्ले कर रहे थे। लेकिन जैसे मैच चलता गया, उन्होंने वन साइड मैच किया पाकिस्तान के खिलाफ, तो मैं हाफ टाइम में बिल्कुल रिलैक्स हो गया था कि यार अब हम लोग ही जीतेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में लिखिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कबड्डी अड्डा, और लेटेस्ट वीडियो अपलोड्स नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कीजिए।